का बंजारे। हमें फिर से दोहराना है, चल मोड़ दे उसका बंजारे। भाई और बहनों, आपके चाय वाले ने पूरे सुना। तो लोकसभा चुनाव के मतों की गणना जारी है और अब तक सामने आए रुझानों और नतीजों के हिसाब से बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन जोरदार तरीके से फिर से सरकार में वापसी कर रहा है, यानी केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। उधर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन अब तक 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबकी उम्मीदों के खिलाफ बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही है और एसपी बीएसपी गठबंधन को करारा झटका लगा है। और वहीं अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस चारों खाने चित नजर आ रही है, तो यहां पर आपको बता दें कि राजस्थान में भी कमोवेश यही हाल नजर आ रहा है और साथ ही मध्य प्रदेश में भी। लेकिन ये तमाम जो रुझान है या कुछ नतीजे भी आना शुरू हुए हैं, उससे साफ पता चलता है कि एनडीए जो है फिलहाल सेंटर में सरकार बना रहा है, जिसका जश्न जो है आज सुबह से मनना शुरू भी हो चुका है। लेकिन क्या नए चेहरे शामिल होंगे कैबिनेट में, ये फिलहाल तो कल या परसों ही पता चल पाएगा, लेकिन बैठकों का दौर आज शाम से शुरू हो जाएगा। 6 बजे पीएम मोदी का यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि वो भाषण भी देंगे, यानी कि जनता को संबोधित भी करेंगे। और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है पीएम मोदी ने, सबका साथ सबका विश्वास। और ये तमाम इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि ये बधाइयां भी दी जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं मंदिर, मतलब गिनती उससे पहले भी तमाम नेता मंदिर पहुंचे और अब जीत जब हासिल हो गई उसके बाद भी, तो ये धन्यवाद है अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही मंदिर जाने की राजनीति हमें लग रहा है कि पहले से कर रही थी और उसकी शुरुआत जो है हमें लगता है इस चुनाव में अन्य पार्टियों में भी दिखाई देने लगा था कि अन्य पार्टियां भी जो है मंदिर जाने का, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी को आपने देखा होगा कि गंगा यात्रा शुरू कर दी थी, राहुल गांधी मंदिर जा रहे थे, अखिलेश यादव मंदिर जा रहे थे, तो इस तरह की मंदिर की तो हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को देख करके सभी लोगों ने मंदिर की शुरुआत किया है और अभी विजय हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सभी मंदिर जाएंगे और मंदिर अभी तो काफ़ी लोग तो हमें लगता है कि आज से पहले भी मंदिर हुआ चुके हैं और आज जा रहे होंगे सभी लोग, क्योंकि उनको सबको भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के राजनीतिक नेताएं हैं, सभी नेताओं को मंदिर में और भगवान में विश्वास है, इसी नाते से वो मंदिर में जाएंगे और जाते रहे हैं। ठीक है, ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए ये श्रेय तो मुझे जो लगता है कि ये जनता को बिल्कुल जाना चाहिए कि जनता ने ही वोट दिया है और जनता ही इसमें सभी पार्टियों को, चाहे वो अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, इससे पहले जो भी पार्टियां जीतती तो जनता ही वोट देती है, तो जनता को ही श्रेय जाता है बिल्कुल कि जनता ने अपने को समझिए कि हमें देश को किस हाथ में देना है। 2014 का देखिए चुनाव उठा करके देखेंगे आप तो ये बहुत वर्षों की बाद की बात है कि 2014 और 2019 के इलेक्शन लगभग 30 वर्षों बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, नहीं तो इससे पहले कहीं ना कहीं यूपीए की भी सरकार थी, चाहे उधर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी तब भी गठबंधन की सरकार रही है, तो बहुत वर्षों बाद जो है जनता ने किसी को पूर्ण बहुमत की दिया, उसी की देन थी कि आप दिल्ली में समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जब बने थे मुख्यमंत्री तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी वहां पर भी। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही का चुनाव है 2017, कहा जा रहा है कि हम चर्चाओं में भी सुन रहे हैं कि इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई वक्त देखा जा रहा है इस तरह का तो या किसी पार्टी के लिए तो वो शायद यही है, और खासकर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें। देखिए तो कांग्रेसी विचारधारा के अलावा ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर के काम कर रही है ये पहली जीत कहा जाएगा, दूसरी जीत है 2014 के बाद, ये दूसरी जीत माना जाएगा कि जो पूर्ण बहुमत की सत्ता में आई है, नहीं तो इससे पहले जो भी पार्टियां थी जो अगर पूर्ण बहुमत में आई जवाहरलाल नेहरू के समय की आप उठा लीजिए और इंदिरा गांधी के समय का अगर दौर छोड़ दें तो उसके बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सत्ता नहीं मिली है, चाहे वो प्रदेश सरकारों में आप उठा लेंगे चाहे केंद्र सरकारों में, बहुत अधिकतम जगहों पर दिखाई दिया कि प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलती थी, वहां भी कहीं ना कहीं गठबंधन की, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ सरकार चलाई है, पर एनडीए की भी रही है, एनडीए की वही सरकारें रही, मिलीजुली सरकारें चली हैं, लेकिन 2014 में 30 वर्षों बाद
बाद इंदिरा जी के बाद पहली बार जनता ने पूर्ण बहुमत की सत्ता दिया किसी को। ठीक है, मृगांक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस कवर करते रहे हैं। मृगांक, हम पहले भी जो बातचीत कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें उल्टी पड़ गई कांग्रेस को, शायद कांग्रेस को वो कहना नहीं चाहिए था, या जो नारों को, बीजेपी के नारों को जो कांग्रेस मुद्दा बना रही थी, शायद उन्हें मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी, जो असली मुद्दे हैं, और असली मुद्दों पर कांग्रेस ने बात नहीं की, या वो अपनी बात को वहां तक पहुंचा नहीं पाए जनता के बीच, चाहे वो न्याय योजना हो या फिर तमाम और बातें, रोजगार देने वाली बात हो, बेरोजगारी को हटाने की बात हो, ये शायद जनता उन पर उतना विश्वास नहीं कर पाए। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक बात तो निश्चित रूप से जानते हैं, वो ये है कि अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कब कितने समय जो है टीवी के ऊपर फुटेज लेना है, कहाँ कहाँ हमें दिखाई देना है, चुनाव के बीच में अराजनैतिक इंटरव्यू हमें कब देना है। तो ये देखिए, ये जो ब्रांडिंग का खेल है, मुझे लगता है कांग्रेस को इससे थोड़ा सा ब्रांडिंग सीखनी चाहिए कि ब्रांडिंग किसी चीज की कैसे की जाती है। पुलवामा स्ट्राइक के बाद जो ब्रांडिंग की गई चीजों की, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है परकुलेट कर दिया गया नीचे तक, और वो नीचे तक ले जाने में सफल रहे। देखिए, जो मार्जिन दिखाई दे रहा है, जो जीत का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, वो 2-2, 3-3 लाख का दिखाई दे रहा है। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सामने कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, सामने एक व्यक्ति विशेष चुनाव लड़ रहा है, एक व्यक्तिवाद का चुनाव, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म टाइप का इलेक्शन दिखाई दे रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में और सिर्फ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। साफ तो उनके नाम पे वोट पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली में जब चुनाव था, 12 अप्रैल को हम दिल्ली कवर कर रहे थे, लोगों से हमने बातचीत किया कि हमने पूछा कि क्या नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी ड्यूटी थी, हमने पूछा कि क्या यहां पर जो है मीनाक्षी लेखी आई थी, कहीं कोई मीनाक्षी लेखी, कहीं कोई जो है और कैंडिडेट का नाम नहीं था, सिर्फ एक नाम था, हम जो वोट डालने जा रहे हैं वो गुड गवर्नेंस के लिए डालने जा रहे हैं, वो हम राष्ट्रवाद के लिए नाम डालने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं कि वो कैसे ब्रांडिंग चीजों की कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कांग्रेस चीजों के अंदर, बिल्कुल ब्रांडिंग की बात को आप आगे बढ़ाना, लेकिन उससे पहले मैं जरूर एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो हम अभी जीत जो देख रहे हैं, कि जो सहयोगी दल है जिसमें से चिराग पासवान की, मैं बिहार की बात करूंगी, कि उनके बारे में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहा जा रहा था कि वो हार जाएंगे, तो यानी कि जो सहयोगी दल है उन्हें भी मोदी जी के नाम का फायदा मिला है, इस जीत का श्रेय उन्हें ही जाता है। तो आपने कहा जैसे कि मीनाक्षी लेखी कभी कभार जाती होंगी, लेकिन उनको घर बैठे ही जिसे कहते हैं कि जीत मिल गई आसानी से, और मोदी जी धुआंधार अपनी रैलियां करते रहे, तो ये एक फैक्टर जो था मोदी जी का, और ये जो एज अ ब्रांड मोदी यहां पर उतरे, शायद वो काम कर गया और लोगों को क्लिक कर गया। बिल्कुल, देखिए ये यही बात मैं कह रहा हूँ, जितने भी सहयोगी दल खूब अच्छी मार्जिन से भी, वो भी चुनाव अच्छी मार्जिन से जाए, चाहे शिवसेना ले लें, चाहे जो है रामविलास पासवान की पार्टी ले लें, वो सब एक अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। बिहार का देख लीजिए, पूरी जातिगत पार्टियां जितनी भी, चाहे आरजेडी ले लिए, उनके साथ कांग्रेस भी आती है, उनके साथ जो है जीतन राम मांझी भी आ जाते हैं, सब एक तरफ, सारा जो ओबीसी और एससी वोट है वो सब एक तरफ चला जाता है, मुसलमान वोट एक तरफ चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है बिहार के अंदर सूपड़ा साफ हो जाता है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप चुनाव में देखें, कहीं कोई बीजेपी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं कोई कमल नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा है, वो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसी के नाम पे वोट पड़ रहा है। वही मैं आपसे बात कह रहा था कि ये इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे केवल 2 बार ऐसा होता हुआ दिखाई दिया, जब कहा जाता था इंदिरा मतलब कांग्रेस, आज कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी। तो अगर आप इनकी कमल भी हटा दें और नरेंद्र मोदी का चेहरा निकाल दें, हो सकता है और बड़ी मार्जिन हो जाए। तो वो ब्रांडिंग अपनी करने में बहुत अच्छी तरीके से सफल हो, और जानते हैं कि कब मुझे, देखिए नैरेटिव देखिए किस तरह से सेट किया, उन्हें मालूम था कि जब जो है चुनाव खत्म हो गया बंगाल के अंदर, एक दिन पहले चुनाव खत्म हो गया और दूसरे दिन जो है और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी 7 चरण का चुनाव खत्म होना था, वो तुरंत जो है चले गए केदारनाथ चले गए, और 2 दिन तक मीडिया उन्हें हाईलाइट करता रहा। आप उस 2 दिन के अंदर फुटेज देखिए कि कितना फुटेज जो है मीडिया का लिया है, उस समय राहुल गांधी कहीं ना कहीं कहीं नहीं दिखाई देते हैं, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी कहीं नहीं दिखाई देती है। तो ये सारी चीज वो अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे कब किस रूप में प्रस्तुत होना है, कब किस तरह से नैरेटिव सेट करना है। और देखिए चौथे छठवें चरण का एक खास बात और इसमें आप नोट करिएगा इस चुनाव के अंदर, कि लगातार वो अपना नैरेटिव बदलते रहे। जब दिल्ली के अंदर चुनाव आया तो उन्होंने सिख दंगे को नैरेटिव बनाया, और सिख दंगा वाला नैरेटिव जो है चलता रहा, और वो कब तक चलता रहा, और देखिए कांग्रेस में कहीं ना कहीं फंसती नजर आई,
हुआ तो हुआ, सैम पित्रोदा बोल गए और कांग्रेस उसमें फंस गई। राहुल गांधी को उसमें माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि आप इसके ऊपर माफी मांगिए, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी पड़ी। तो ये है कि वो जानते हैं नैरेटिव क्या है। जिस रैली में भी वो जाते थे, जिन रैलियों में भी वो गए, वहां पर जाके उन्होंने सिर्फ एक नारा दिया, उनको घर में घुसकर मारा। फिर जल्दी से और जवाब दे दीजिए कि जैसे कि 2014 में ये एक हवा बनी थी, एक लहर थी, तो अभी आप क्या फैसला करेंगे? कि आपने पूरा राजनीति और ये चुनाव देखा है तमाम लोकसभा का, उसमें आप क्या देखेंगे, ये अंडर करंट था या एक लहर थी? देखिए, हम लोग सब अपने हिसाब से उसे जो है इंटरप्रेट कर रहे थे और कोई इसे देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमें ये लग रहा था कि गठबंधन जातिवाद जो है बहुत ज्यादा रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि 51% वोट था और 51% के बाद भी आप वोट अगर देखें तो वोट कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई देता है। मोदी जी को जो है वोट पड़ा है लगभग 56% वोट उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। तो आप इसे क्या कहेंगे, ये अंडर करंट नहीं, ये सुनामी दिखाई दे रही है। और जो ब्रांडिंग की गई है, जो मुद्दा है, वो इतना नीचे तक पहुंच गया, लोगों को अपने साथ कर लिया उसने। बिल्कुल, और बिल्कुल। हर जाति का, हर वर्ग का वोट उनको मिलता हुआ नजर आ रहा, नहीं तो इतनी बड़ी जीत संभव नहीं है। चलिए जी, चलिए मृगांक, कुछ बयान भी अभी आ रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर साहब भी कुछ बोल रहे हैं, आइए जरा उनको सुन लेते हैं। जीत पे मैंने पहले ही कहा है कि ये जबरदस्त विजय है जनता की। जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास दर्शाया, सुरक्षा के लिए मतदान दिया देश के, और देश के तरक्की के लिए वोट दिया। ये देश के लिए दिया हुआ वोट है, ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, ये पॉजिटिव वोट है, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात साफ, सेवा करने का मौका दिया है उसको मैं नमन करता हूं और बड़े विनम्रता के साथ इस जीत को, जनता की जीत, भारत की जीत, गुजरात की जीत, उस तरीके से हम मानते हैं और ये जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को भी आने वाले दिन में हम ईमानदारी से उसको निभाएंगे, ये बात हम करना चाहते हैं। देखिए, जो नतीजे आ रहे हैं अभी तक, उसमें एग्जिट पोल के अनुरूप ही नतीजे आ रहे हैं, तो हमारे लिए निराशाजनक तो परिणाम है लेकिन आश्चर्यजनक भी, क्योंकि इस तरह के परिणामों की अपेक्षा किसी ने की थी, पत्रकारों ने भी नहीं की थी। वो भी सब कहते थे कोई वेव नहीं है, लेकिन वेव से ज़्यादा बड़ी चीज़ निकली कि 2014 के मुकाबले और उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के रिजल्ट आए, तो हमारे लिए आश्चर्यजनक बात है कि क्या ऐसी चीज़ हुई कि ऐसे परिणाम आए, चौंकाने वाले परिणाम आए। तो इसको पूरे विपक्ष को बैठ के गंभीरता से इसका अध्ययन करना होगा कि ऐसे परिणाम क्यों आए। तो यहाँ पर लगातार देखिए कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हमें सोचना पड़ेगा कि हुआ क्या है, क्योंकि कोई अंडरकरंट नहीं था, कोई लहर नहीं थी, तो ये कैसे सीट में कन्वर्ट हो गए। और जो वोट प्रतिशत अभी थोड़ी देर में शाम तक अभी सामने आएगा तो उसका आकलन बहुत अच्छे से हो सकेगा। राघवेंद्र जी, अभी मृगांक जो बातें कर रहे थे, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो कह रहे थे बिल्कुल सही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ब्रांडिंग नैरेटिव चेंज कर दिया, एक सुनामी थी खासकर यूपी के लिए, वो कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुनामी की तरह तो ये चुनाव पूरा दिख रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ में 2014 में जितनी सीटें लाई थी उससे ज्यादा सीटें इस बार ला रही है, तो इसको सुनामी ही कहा जाएगा कि देश की जनता ने उसको फिर स्वीकारा है जिसको 2014 में वोट दिया था। और इसको देखिए बिल्कुल मानना चाहिए कि इसको सुनामी कह लीजिए चाहे अंडर करेंट कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ी है। मुझे जो दिख रहा है कि 2014 से लेकर के 2019 तक, ये अभी 2-3 महीने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पूरे 5 साल का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से कैडर पे काम कर रहे थे, बूथ लेवल तक हमने देखा कई ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के, कि जिनके बूथ लेवल तक जाते थे बैठ के करने, और बूथ स्तर तक उन्होंने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया था। तो एक तो बहुत बड़ा कैडर देखिए उनका, मैनेजमेंट, हाँ, बूथ मैनेजमेंट होता है। कांग्रेस के सामने बात रखी भी गई है कि बूथ मैनेजमेंट आप नहीं ठीक से कर पाते, आपकी पार्टी में नेता लोग ज्यादा है, बिल्कुल कार्यकर्ता बहुत कम है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा ये निकाला। और दूसरा चीज, नरेंद्र मोदी एक चेहरा देश के सामने दिखाई दे रहे थे, उसके साथ एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है तो आरएसएस को जाता है। ठीक है, राहुल के पास जाएंगे महाराष्ट्र में। राहुल, अभी क्या हाल है महाराष्ट्र का? हार्दिक, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मुंबई के गोरेगांव
इलाके में हूँ और गोरेगांव का ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये काउंटिंग सेंटर है। यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग जो है ऑफिशियली पूरी हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली पूरी हो चुकी है लेकिन ऑफिशियल इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का काउंटिंग सेंटर में अब स्टेटस है वो बताइए, और गोपाल शेट्टी जो यहाँ के जीते हैं उनके बारे में भी बताइए। ऐसा है कि पहले मैं आपका पहला प्रश्न जो है कि कितनी काउंटिंग, यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही है। वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ मुंबई और नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये तीनों का काउंटिंग हो रहा है यहाँ पे। और तीनों में जो NDA के प्रत्याशी है, जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के प्रत्याशी है, वो भारी मतों से जीत रहे हैं। सभी लोग 1.5 लाख के मार्जिन के वोटों से मिनिमम जीत रहे हैं। जहाँ तक कि दूसरा प्रश्न आपका है गोपाल शेट्टी जी के बारे में, तो उन्होंने अपने पिछली बार की जो लीड थी वो बरकरार रखी और उसके ऊपर ही आएंगे ये दिख रहा है। 4,80,000 की लीड अभी तक हो चुकी है, इसके ऊपर अभी क्या लीड आगे आती है वो, अभी VVPAT की काउंटिंग चालू है। वैसे सभी राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, बट जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से 5% हर 5 मशीन्स का हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंटिंग रखना है, तो वो अब काउंटिंग स्टार्ट हुई है कि भाई मैचिंग हो रहा है सब जगह पे। हाँ। और उसके बाद आगे जो रिजल्ट होगा वो, राहुल टाइमिंग, टाइम कितना लग सकता है, कितना वक्त लग सकता है राहुल, ये जरूर जानने की कोशिश करें, टाइम कितना लगेगा, कितना और वक्त लग सकता है, आप ये बताइए। ऐसा है कि शुरुआत हुए अभी 20 मिनट हुआ है और मुझे लगता है कि कहीं नहीं तो भी हम कहें 6:30-7 o'clock तक तो मिनिमम VVPAT की काउंटिंग चलेगी, क्योंकि एक एक पर्ची निकाल करके एक एक पर्ची का वोट टैली किया जा रहा है, ताकि जो एक विपक्ष माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, नहीं जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है कि EVM में कुछ गड़बड़ी है या किसी भी प्रकार का झूठा आरोप, एक एलिगेशन जिस तरह आपने कहा वो ना हो, इसके लिए उनके भी 7:30 तक का वक्त लगेगा ऐसा लग रहा है, 6:30-7 के आसपास होना चाहिए ऐसा लगता है हमको, बट क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इसलिए हमको भी एग्जैक्ट क्या टाइम आइडिया नहीं, मैनुअल प्रोसेस है, इसमें इतना वक्त लगेगा इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया जा सकता, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं इसके साथ ये भी बताऊंगा कि कुछ ही वक्त पहले यहाँ पर उर्मिला मातोंडकर भी आई थी, उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम मशीन में उन्होंने जो डिस्क्रिपेंसीज पाई है उसकी वो रिपोर्ट बना रही है और उसकी वो ऑफिशियली शिकायत भी करेगी। वही अगर दूसरी तरफ हम महाराष्ट्र की ओवरऑल बात करें तो देखिए एक तरीके का क्लीन स्वीप है, बहुत ही अच्छा वसीम जी परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी शिवसेना कंबाइंड का पूरे महाराष्ट्र में। ये पूरे महाराष्ट्र की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और NCP बिल्कुल नहीं दिख रही है। NCP ने जरूर थोड़ा गेन किया है इस बार, अगर NCP की बात किया तभी 5 सीटों पर NCP आगे चल रही है, लेकिन शरद पवार के जो रिश्तेदार है पार्थ पवार वो इस वक्त हारते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के दोनों बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे अशोक चौहान इस वक्त हार के बिल्कुल करीब है, साथ ही साथ सुशील कुमार सिंधे भी हार के बिल्कुल करीब है, तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात कि वंचित बहुजन वंचित आघाड़ी एक पार्टी जो बीच में चुनाव में खड़ी हुई और उसने बहुत अच्छे वोट लिए, 10 से 12 सीट हराने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मुंबई की बात की जाए, मुंबई में 6 के 6 सीट जो है कांग्रेस NCP हार रही है और बीजेपी शिवसेना जीत रही है और बड़े मार्जिन से जीत रही है, बड़े मार्जिन से, जितने बड़े नाम है सारे हारते हुए मुंबई में भी नजर आ रहे हैं। तो यानी जहां तक बात की जाए, महाराष्ट्र में जो सोचा जा रहा था कि कुछ जरूर गेन करेगी कांग्रेस या कुछ जरूर गेन करेगी NCP, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, पुराना ही जो आंकड़ा है वो रिपीट होता नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण पॉइंट, देखिए मैं यही सवाल उर्मिला मातोंडकर से भी किया गया था कि आखिरकार क्या लगता है कि कांग्रेस कहां फेल हो गई, तो इस पे उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि उन्हें एक दिन का वक्त चाहिए पूरी समीक्षा पूरा एनालिसिस करने के लिए, उसके बाद किसी ने सही जवाब दिया राहुल, क्योंकि वो अभी तो आई हैं, उनको टिकट दे दिया गया कि भाई आप जाइए और इतने कद्दावर बड़े नेता के सामने खड़े होकर आप लड़ाई कीजिए, तो ये एक उनके लिए बड़ी टफ फाइट थी यहां पर। लेकिन वो कांग्रेस जो यहां पर महाराष्ट्र में उसका बहुत अच्छा एक जमाने में अगर कहें तो पैठ थी और बहुत मजबूती के साथ वो यहां पर थी, लेकिन अब कांग्रेस और NCP वो गठजोड़ का रिजल्ट जो है वो सामने नहीं ला पा रही है, ये बहुत अफसोस की बात है कांग्रेस के लिए। तो ये जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मृगांक, महाराष्ट्र के लिए क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस और NCP कुछ भी नहीं कर पाई वहां पर? देखिए ये बात सही है कि वो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कॉम्बिनेशन ठीक लगता है मुझे कि NCP के साथ कॉम्बिनेशन किया था। लेकिन दूसरा एडवांटेज कांग्रेस को ये भी मिला कि राज ठाकरे ने खुलकर विरोध किया मोदी का और तमाम रैलियां वहां कर डाली, और उसका भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसका भी लाभ मिलेगा, क्योंकि राज ठाकरे जिस तरह से मैदान में उतरे थे, लगातार मोदी की खिलाफत कर रहे थे, बीजेपी सरकार की खिलाफत कर रहे थे, तो ऐसा लगता था कि एडवांटेज मिल जाएगी, लेकिन वो कहीं एडवांटेज कहीं नजर नहीं आई। देखिए ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक था,
किसी को भी संभलने का मौका मोदी ने नहीं दिया और साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कांग्रेस को कांग्रेस के गढ़ में कहिए, राजस्थान के अंदर कहिए, एक भी सीट नहीं लेने दिया, मध्य प्रदेश में कहिए कि दिग्विजय जिस तरह से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज अपनी सीट हार गया है, उनके घर में जाके उन्हें एक बड़े मार्जिन से हराना, तो ये कह सकते हैं कि कोई किसी प्रकार की कोई रणनीति नहीं चली। मोदी जी का एक सर्जिकल स्ट्राइक था, जो इस तरह से स्ट्राइक उन्होंने किया कि सारी पार्टियां चारों खाने चित्त जो है दिखाई दे रही हैं। अब मुझे लगता है कई पार्टियां तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ेंगी, लेकिन ये समय है सारी पार्टियों को मिलकर अब एक मंथन करने का, एक प्लेटफॉर्म बनाने का। कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता था कि जो है दिल्ली में वो अगर गठबंधन करते तो उन्हें नुकसान होगा। जी बिल्कुल, ये बिखराव जो था विपक्ष में और एक दूसरे से सोच भी नहीं मिल रही थी और इसलिए शायद बहुत मजबूती के साथ वो गठबंधन नहीं हो पाया जो स्टेट वाइज प्लान किया गया था राहुल गांधी की तरफ से। मृगांक बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वीवीपैट का मिलान भी होना है, बहुत वक्त लगेगा हमें लगता है, आपसे आगे बातचीत होती रहेगी। राघवेंद्र जी, जैसा कि मृगांक ने अभी बताया कमोबेश के क्या हाल है। देखिए बिल्कुल उन्होंने एक बात सही बता रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के नेता अगर इस बात को पहले सोच लिए होते, जैसे कि अमेठी के आप सीट उठा लीजिए, अमेठी में जैसे इस समय पर स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं, ऐसे में अगर इन सीटों पर कांग्रेस के नेता, अभी आप बनारस की सीट उठा लीजिए, वहाँ पर अगर कोई बड़े नेता को उतारते जिससे कम से कम उनकी वोट बैंक तो बनता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक तो काम किया है कि जिन जो जहाँ पर अपनी जो सीटें उनको जीतना था वहाँ पर लगातार काम किया उन्होंने, जैसे अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी को पूरे 5 साल काम करने का उन्होंने मौका दिया और स्मृति ईरानी जिससे कि जनता के बीच में जाकर के ये जवाब दे सकती हैं कि हमने 5 साल काम किया है ऐसे ही। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर क्या माइनॉरिटी अपीजमेंट एक बड़ा मुद्दा जो बीजेपी ने बनाया ममता बनर्जी को लेकर, वो बिल्कुल सटीक बैठा और इसलिए बीजेपी को फायदा हुआ और लेफ्ट जो वहाँ पर बहुत अब कम हो चुका है, यू कहीं खत्म हो चुका है, एक उसका फायदा बीजेपी को मिला बिल्कुल। एक तो देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर जो लेफ्ट का खत्म होना जो हुआ है इससे बीजेपी को लाभ मिला है, और मैं आपको पहले के डिबेट में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत के राज्यों में अपनी चुनाव लड़ती थी, ऐसे में जब नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों में अपना स्थापित किया अपने आप को, ऐसे में उन्होंने पश्चिम बंगाल को चूज किया था इस बार। और पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो है इस बात को बोलते थे कि हम 22 से 23 सीटें जीतेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, कहीं ना कहीं वो वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ सीटें पिछली बार से ज़्यादा वो वहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो इस बात को बिल्कुल है कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में उनकी सीटें जो है बढ़ रही हैं। ठीक है, अब हम जरा देहरादून का रुख कर लेते हैं राघवेंद्र जी, क्योंकि वहां पर ज्योत्सना है हमारी सहयोगी। ज्योत्सना, वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है, किस तरह का भी नतीजे या रुझान आ रहे हैं सामने? ज्योत्सना, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपके पास कोई जानकारी है? अभी ज्योत्सना को हमारी आवाज नहीं आ रही है। जी राघवेंद्र जी, अजय भटनागर भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपके पास क्या खबर है? भोपाल वो जगह जो खास हो जाती है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रही है वो एक जमाने से, जब भोपाल हिंसा हुई थी, भोपाल दंगा हुआ था, उसके बाद से हमेशा बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट मिलते रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर जिन पर दांव लगाया गया बीजेपी की तरफ से, लगातार बहुत सारी बातें भी कही गई, दिग्विजय सिंह ने कंप्यूटर बाबा वाला दांव चला लेकिन हार गए। निश्चित तौर पर जो बीजेपी का गढ़ भोपाल कहा जाता था वो एक बार फिर साबित हुआ, और प्रज्ञा जो अभी तक जानकारी हमारी सामने आ रही है वो प्रज्ञा सिंह लगभग अभी 3 लाख वोटों के लगभग आगे चल रही है दिग्विजय सिंह से, और काफी कुछ गिनती हो चुकी है, अब 1.5 लाख वोटों की गिनती बाकी है। ऐसे में माना जा सकता है कि जो 3 लाख के लगभग जो बढ़त बनाई है वो निर्णायक बढ़त है, और दिग्विजय सिंह यहां पर भी जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज पूरे देश में धराशायी हुए हैं, इसी तरह से दिग्विजय सिंह भी यहां पर धराशायी हो गए हैं, और एक बार फिर साबित हो गया कि भोपाल बीजेपी का गढ़ है, और जहां भगवा झंडा बुलंद है, चाहे जितने भी भगवा रूप दिग्विजय सिंह ने रखे हों, मंदिर मंदिर गए हों, या तमाम सारे साधु संतों को बुला के रैली की हो, मगर वो किसी काम नहीं आया, आखिर साध्वी ने अपना झंडा यहां पर गाड़ दिया है। और अभी जो ऐलान होना है वो मेरे ख्याल से लगभग रात को देर रात तक संभावना है, क्योंकि अभी वीवीपैट की गिनती की जानी है। अजय, हमें एक बड़ी खबर बता देते हैं कि अभी जो गिनती हो चुकी है कि तकरीबन 5 लाख वोटों से पीएम मोदी, बिल्कुल 4.5 लाख वोटों से पीएम मोदी जीत चुके हैं वाराणसी,
और यहाँ पर उसके बारे में क्या कहना है कि जब पूरे देश में ही इस तरह की सुनामी चल रही हो और जीत का परचम लहराया जा रहा हो बीजेपी की तरफ से, तो वाराणसी के मामले में तो फिर भी थोड़ी समझ में आता है कि भाई यहीं से तो, यहाँ से तो है ही मामला पक्का बिल्कुल। तो 4.5 लाख वोटों से जीत गए हैं यहाँ पर, और अब कुछ देर के बाद 6 बजे वो सीधे जनता से रूबरू होंगे। पाक पीएम इमरान खान ने बधाई दी है, पाक बहुत बेचैन था राघवेंद्र जी। अजय मैं आऊंगी आपके पास, पाकिस्तान बहुत ज्यादा बेचैन था, वो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और काउंटिंग के दिन बकायदा बहुत सारी ऐसी जगहों पर इंतजाम किया गया था कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है या देख सकें। नहीं बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से भारत के इलेक्शन को, हमें लगता है कि जब से शुरू हुआ होगा तब से देख रहा है इस चीज़ को कि भारत के आने वाले समय में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जिस तरह का भारत में माहौल दिख रहा था, ईवीएम वीवीपैट के ऊपर उंगली उठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि भारत में कुछ परिवर्तन सा होगा। लेकिन जिस तरह से आज आया एग्जिट पोल 19 तारीख को आया, उसके बाद से आज रिजल्ट आया है, आ रहा है धीरे धीरे कि एनडीए की सरकार बन रही है। तो लोकतंत्र में देखिए कोई भी देश का नेता, ऐसे तमाम देश के राजनीतिक नेताओं ने, राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई दिया है, उसमें हमें लगता है कि इमरान खान ने भी इसी नाते से बधाई दिया है। क्या नीति होगी? देखिए ये तो स्वाभाविक रूप से पड़ोसी देश है, तो नीति तो स्वाभाविक रूप से होती है कि कहीं ना कहीं हम भी सुरक्षित रहें और आप हमको भी सुरक्षित रखिए साथ में। जिस तरह का 2 सर्जिकल स्ट्राइक बड़े मात्रा में इस बार अभी हुआ है, तो पाकिस्तान को तो डर है ही है कि कहीं ना कहीं आने वाला समय में मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले में, देखिए पूरा दुनिया जानता है इस चीज़ को कि बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, और किस तरह से अमेरिका हो चाहे चाइना हो, सबको अभी आप हाल ही में जो है मसूद अजहर को जिस तरह से आतंकवादी घोषित कराया चुनाव के बीच में, इस चीज को पाकिस्तान तो ये बात समझ ही चुका है कि नरेंद्र मोदी के साथ अगर हमें इतना आसान नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देहरादून चले जाते हैं। ज्योत्सना, आपके पास कुछ खबरें आ रही हैं क्या? उम्रा, उत्तराखंड पहाड़ी जिले, पहाड़ी राज्य जरूर है, लेकिन यहाँ सुनामी आई है और जबरदस्त सुनामी है। यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने पांचों की पांचों सीटें अपनी झोली में डाली हैं और बहुत जबरदस्त मार्जिन के साथ, हम लोग ये अनुमान तो जरूर लगा रहे थे कि पांचों सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, लेकिन जो अंतर है उसका हम लोगों को भी अनुमान नहीं था और बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को भी खुद नहीं था। जो अंडर करंट की बात हो रही थी वो अंडर करंट नहीं था बल्कि एक तूफान था। मैं आपको केवल एक नैनीताल सीट का एग्जाम्पल दूं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और उनका मुकाबला था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ। सभी लोग सोच रहे थे कि बड़ा नजदीकी मामला होगा, लेकिन आज जो अभी तक वहां काउंटिंग चल रही है, अंतिम निर्णय नहीं आया है, बावजूद उसके लगभग 3.25 लाख की लीड अजय भट्ट ने ले ली है, यानी कि हरीश रावत लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि लोगों ने किस तरीके से वोटिंग की है। अगर मैं पौड़ी की बात करूं, जो गढ़वाल संसदीय सीट है, जहां वर्तमान सांसद जनरल खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी कांग्रेस से लड़ रहे थे और बीजेपी के तीरथ सिंह रावत थे, तीरथ सिंह रावत ने अकेले जो पोलिंग हुआ है उसका 60% वोट ले लिया है, यानी कि वो भी 2,80,000 से ज्यादा वोट से इस समय लीड कर रहे हैं। तो आप समझ सकती है कि उत्तराखंड के मतदाताओं ने किस तरीके का अपना मन बनाया और किस तरीके से वोट दिया। मोदी मैजिक तो पूरे देश में चला है, लेकिन उत्तराखंड के लोग मोदी से अपने को सीधे सीधे जोड़ते हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ज्यादा वक्त उत्तराखंड में बिताया है, उनका एक स्वाभाविक लगाव उत्तराखंड से, इसलिए लोग डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करते हैं। दूसरा सीमांत इलाका है, सैन्य बहुल प्रदेश है, और पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से पूरा माहौल बना, पुलवामा में उत्तराखंड के लोग शहीद हुए, उसके बाद मेजर चित्रेश बिष्ट और विभूति ढौंडियाल की शहादत हुई, उससे एक माहौल ही अलग बन गया था और उसका सीधा सीधा फायदा उत्तराखंड में बीजेपी को मिला है। जी ज्योत्सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी लगातार हम अपने रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते रहेंगे।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि गरीबों के आशीर्वाद से ही आज मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। जो सच्चा सही मोदी है वो अब दिखने लगा है। आपके इस चौकीदार ने एक बहुत बड़ा अभियान सफाई का चलाया। भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता है लोगों ने आशा और विश्वास के लिए मतदान किया। बताइए मुझे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, मैं जान से लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ईमानदारी से लगाऊं कि नहीं लगाऊं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये आपके आशीर्वाद के कारण कर रहा हूं।